ऋषि लक्ष्मी को वैलेंटाइन डे के दिन देखता है तो उसपे फिदा हो जाने वाला। वहीं आयुष जब शालू को देखता है तो वो भी उसके पीछे फिदा हो जाता है। अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि लक्ष्मी तैयार होकर कमरे में जब आती है तो ऋषि से पूछती मैं कैसी लग रही हूँ, तो ऋषि कहता तुम तो हमेशा ही अच्छी लगती, वैसे आज तुम इतनी अच्छी लग रही, तुम्हें देख कर लग रहा था कि तुमसे ही मैं शादी कर लूँ। ये बात सुनकर लक्ष्मी काफी शॉक हो जाती है। वहीं पर देखेंगे जब शालू तैयार होकर आती तो बानी कहती है कि तुम बहुत अच्छी लग रही, आज तुम्हें जब आयुष देखेगा ना तो एकदम फिदा हो जाएगा। और देखेंगे आयुष जैसे शालू को देखता है तो बस देखता रह जाता है, और तभी वो उसके पास आता है, उससे बातें करता है। वहीं पे वो अपने दिल की कोई बात कहने की कोशिश करता है, वहीं शालू भी अपने दिल की बात आयुष को कहने की कोशिश करती। दोनों एक दूसरे से कहते कि तुम कह दो ना, और दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात अब कहने वाले। वहीं पे पार्टी जब स्टार्ट हो जाती है, लोग अनाउंसमेंट करते हैं और कहते हैं कि इस शाम का सबसे अच्छा कपल अब आने वाला है। और अनाउंसमेंट में वो लोग ऋषि के साथ मलिष्का को एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पे ऋषि के साथ लक्ष्मी आती है, जिसको देखकर सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं।